हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हिंदी असाइनमेंट 4। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि दिसंबर की असाइनमेंट आ चुकी है और हम आपके लिए सभी असाइनमेंट के आंसर लेके आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम असाइनमेंट्स के बाद इसी चैनल पर मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया करेंगे। तो ये असाइनमेंट्स है जो हमारी, ये 20 मार्क्स की है। इस वीडियो को हम असाइनमेंट के साथ साथ ये भी बताएंगे कि असाइनमेंट को आपको कैसे लिखना है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें, क्योंकि आप कुछ मिस कर देंगे फिर आपके कम मार्क्स आएंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर इसी चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये हमारा कवितावली वाले चैप्टर से दिया गया है। तो इसका आंसर आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एपटिक पद्यांश। ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स के लिए है और ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एपटित है। एपटित का मतलब होता है जो पहले कभी पढ़ा ना हो। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 4 सॉल्व किए हैं। तो जो मैंने 4 सॉल्व किया आप उन्हें ही लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, बहुत ही मेहनत लगी है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो जिनके पास बुक्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारी असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है, जन्मजात धंधों में लगे हुए लोग कार्यकुशल क्यों नहीं हो पाते। ये आंसर हमारा श्रम विभाजन वाले चैप्टर में से है। तो ये 3 मार्क्स का है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको 8-10 लाइन का तो लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपठित गद्यांश, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 6 मार्क्स के लिए, और उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो हमने इसके आंसर्स लिख दिए हैं। ये 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ 2-2 लाइन के या 3 लाइन के आंसर्स आपको लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी असाइनमेंट का लास्ट एंड 5th क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क थे। तो इस आंसर को आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उसमें लिखा भी गया है कि 50-75 वर्ड्स का लिखना है। तो देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इतना ही इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्लास 12th हिंदी असाइनमेंट 4 के आंसर्स। अगर आपको और असाइनमेंट के आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम क्लास 10th के लिए भी असाइनमेंट के आंसर जल्दी ही अपलोड करेंगे। कल तक सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और हमारा एक और चैनल है काकू FF गर्ल, वो फ्री फायर चैनल है। तो जो भी फ्री फायर में इंटरेस्टेड है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।